ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो ये अपने पास फाइनल जो है एएसएन का फॉर्मूला है वो अपने पास ये बन गया, सॉरी एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा इसमें। ओके नाउ ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द sum of the first 22 terms of the AP A 3 minus 2 and S. ये अपने पास एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि अपने को जो फर्स्ट 22 टर्म्स है उसका अपने को क्या करना है, सम फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये अपने पास एस एन का फॉर्मूला है। अब n जो है वो कितना आपका 22, ये तो बोला है 22 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो n का वैल्यू क्या होगी 22, n की जगह रखो 22, 2a इंटू ए फर्स्ट टर्म क्या आपकी 8 प्लस 22 माइनस 1 डी। डी स्टूडेंट्स, डी जो है वो होता है अपना कॉमन डिफरेंस, तो आप ना 3 माइनस 8 करो यहाँ पे, 3 माइनस 8 इट विल बी इक्वल टू माइनस 5, सो आई विल राइट हियर माइनस 5। एस 22 इक्वल टू डिवाइड कर टू 22 अपॉन 2 11, 8 टू जा 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू माइनस 5, अब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 21 एंड 5 देन वी विल गेट, देखो प्लस माइनस माइनस 5 एंड 5 टू जा 10। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज 11 16 माइनस 105। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, आपको अब आगे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके 11 से क्या करना, मल्टीप्लाई, सो यू विल डू दैट सेल्फ। तो इस तरीके से आपको ना सम फाइंड करने का फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, इफ द सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 14 टर्म्स of an AP is 150 and
and its first term is 10. Find 20th term. ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स गिवन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी स्टार्टिंग के जो 14 टर्म्स है उनका जो सम है वो अपने को दे रखा 150 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10. तो देखो जो गिवन है वो लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म 10 दे रखी, यानी ए की वैल्यू क्या दे रखी है 10. 14 टर्म्स का जो सम है वो है 150, यानी कि एस 14 की वैल्यू क्या है 150. एंड फाइंड 20th टर्म, यानी अपने को A20 फाइंड करना है. फाइंड 20th टर्म मीन्स आपको A20 क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है. तो सबसे पहले अपन है ना इसी से अपन D वगैरह की जो वैल्यू है वो अपन फाइंड कर लेते हैं. देखो एस 14 आपको 150 दे रहे हैं, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन. मैं अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर n, n की वैल्यू कितनी है 14, तो n की वैल्यू 14 रखो. a, a की वैल्यू कितनी है 10, फिर n माइनस 1 यानी कि 14 माइनस 1 डी, डी की जगह आपका क्या रहेगा डी. ओके स्टूडेंट्स, एस 14, एस 14 की वैल्यू है 150. 14 में 2 का डिवाइड कर दो 7, 10 इंटू 2 20 प्लस 14 माइनस 1 13, 13 इंटू डी इट विल बी 13 डी. नाउ व्हाट, 7, 7 आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, ओके okay, अपने पास आ गया 1050 अपॉन 7. आप है ना 1050 में 7 का क्या कर सकते हो डिवाइड. तो देखो डिवाइड हो रहा है क्या इसमें, देखो ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7 3 जा सॉरी सॉरी 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा 50 और लास्ट में 150. यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी. 20 को आप इधर ले आओ तो 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d, ये आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 13d. 13 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, सो हियर आर यू विल गेट 130 अपॉन 13 इज इक्वल टू डी. डिवाइड आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट डी इक्वल 10. तो चलो डी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, A20, यानी कि अपने को 20th जो टर्म है वो आपको क्या करनी स्टूडेंट्स, फाइंड करनी 20th टर्म. तो देखो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी, ये तो है an का फॉर्मूला. अब देखो n 20th टर्म का मतलब है कि अब आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेने के लिए कहा गया है 20, सो वी विल टेक n इज इक्वल टू 20. ए फर्स्ट टर्म कितनी है 10 प्लस n, n कितना है 20 एंड d, द वैल्यू ऑफ d इज 10. ये स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर विल बी फाइनल आंसर यू विल गेट. इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, यानी कि अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से था कि इसमें आपको ना जो फर्स्ट 14 टर्म्स है उनका सम दे रखा था, फर्स्ट 14 जो टर्म है उसका सम दे रखा था और आपको 20 टर्म
ट्वेंटी टर्म पूछ ली, यानी कि ट्वेंटी वाली यानी बीसवीं टर्म है वो क्या होगी, यू हैव टू टेल दे। ओके नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। ओके एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is sum is 78. This is the given question. According to the question, we have how many terms of the AP must be taken so that the sum is 78. Question का ये कह रहा है कि अपने पास एक जो AP दे रखी है 24, फिर 21, इसकी कितनी terms का sum करें अपन? हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने टर्म का सम करें कि जो सम है ना वो किसके इक्वल आ जाए, 78 के इक्वल आ जाए, सम विल बी इक्वल टू 78। अकॉर्डिंग टू आंसर स्टूडेंट्स वी हैव 78, वी हैव 78। सो एस एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन की वैल्यू कितनी है 78, एन इट इज नॉट गिवन, टू इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 24 प्लस एन माइनस वन डी। Students, you know that d is the common difference, and to find the common difference you have to subtract first term from the second term, in 21 minus 24. So, students, aap 21 mein se 24 minus karoge, then you will get minus 3. Here, you will get minus 3. So, I will write here minus 3. Is tarike se aapko ye question de raha hai. सम इज 78, यानी कि सम जो है आपका वो कितना दे रखा है 78। इट इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, और एन देखो इसमें स्टार्टिंग पूछा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि इस एपी की कितनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू अपने से पूछी है। अब स्टूडेंट्स आपको इसको सोल्व करना है, तो सो यू हियर यू कैन सी दैट पहले जैसे टू डिवाइड में है तो टू इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 78 इंटू टू एन 24 इंटू टू 48 ओके एंड प्लस माइनस एन माइनस वन इंटू थ्री 78 इंटू टू 8 टू 16 and 14 156 and 48 minus bracket 3 ka andar multiply karo 3 and minus 3 156 and 48 minus
अब देखो व्हेन यू रिमूव दिस ब्रैकेट देन माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस। ओके नाउ 48 एंड 3, 48 एंड 3 इट विल बी 51, 156 इज इक्वल टू एन, 48 एंड 3 इट विल बी 51, सो आई विल राइट हियर 51, 51 माइनस 3n. नाउ स्टूडेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई स्मॉल n इनसाइड द ब्रैकेट, 51n माइनस 3n स्क्वायर. ओके both terms we can take on left hand side then we will get minus 3n square इधर आएगा तो हो जाएगा plus का 3n square and minus का 51n और ये already इधर ही है तो इसका आपका sign change नहीं करना है. 3 आप common ले लो तो यहाँ पे 3 का divide करोगे 17n और यहाँ आपको 3 का divide करना है तो 3 5 2 52, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0 के डिवाइड में आएगा एंड 0 के डिवाइड में कोई भी वैल्यू हो तो आंसर विल बी 0. कोई भी वैल्यू हो 0 के डिवाइड में उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. सो 3 जो है वो आपका इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास बचेगा एन स्क्वायर माइनस 17 माइनस 52. स्टूडेंट यू कैन सी दैट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे कि आपने ना सेकेंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डिड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अपन ने ना उन क्वेश्चन में जो x की जो वैल्यू है वो अपन ने फाइंड की थी. सेम थिंग इज हियर, वही सेम चीज यहाँ पे भी आपको क्या करना है, स्मॉल n वगैरह इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है. सो हियर वी हैव एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 52 इज इक्वल टू 0. तो ये स्टूडेंट्स आपको सोल्व करना है सेल्फ एंड आफ्टर सोल्विंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन. ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल. Okay, now students, we have next example. Example 14. Find sum of the first 1000 positive integer. Find the first 1000 positive इंटीजर्स, यानी कि फर्स्ट जो 1000 पॉजिटिव इंटीजर है उसका आपको सम फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स हाउ कैन वी फाइंड दैट, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ध्यान देना, इसका एक सेकंड पार्ट और है वो भी लिख लेते हैं साथ में. द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, द फर्स्ट n positive integers, we have two questions. Example 14, according to example 14 we have to find out the sum the first 1000 positive integer. तो देखो इसके आंसर में फर्स्ट का आंसर देखो इस तरीके से आपको करना है. द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास 1000.
इन सारी टर्म्स का अपने देखो ये जो है स्टार्टिंग है जो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर ही तो होते स्टार्टिंग है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर और इसका आपको क्या करना है सम फाइंड करना है। सम का जो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन इज इक्वल टू एन ये टोटल कितने हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर यू कैन सी दैट टोटल टर्म्स कितनी है 1000 सो आई विल राइट हियर 1000 टू इंटू ए फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 1000 माइनस 1 डी डी इज द कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। नाउ फ्रेंड्स आपको इसको सोल्व करना है सोल्व करके आपको एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा इसी तरीके से आपको ना इसका जो सेकेंड पार्ट है वो करना है द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि एन पॉजिटिव से यहाँ पे 1000 लिया था उसकी जगह अपने को यहाँ पे क्या लेना है स्मॉल एन इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट लास्ट में आपको क्या लेना है स्मॉल एन। तो वही सेम एस एन का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन एन की जगह आपको क्या द वैल्यू ऑफ एन इट विल बी इक्वल टू एन यानी कि एन की जगह स्टूडेंट आपको ना एन ही पुट रखना है पुट करना है एन की जगह आपको एन ही रखना है। टू ए टू इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1 एन इट विल रिमेन सेम डी 2 माइनस 1 और स्टूडेंट एन की जगह आपको एन ही रखना है एन अपॉन टू टू प्लस एन माइनस 1 2 माइनस 1 1 सो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 एन बाई टू टू प्लस एन माइनस अच्छा सॉरी 2 माइनस 1 क्या होगा 1 बच जाएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एन प्लस 1 दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द एग्जाम्पल 14। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 Example 15. According to example 15, find sum of first 24 terms. Find sum of first 24 terms. First of the list of numbers of the list of numbers of the list of numbers whose nth term is given by a n is equal to 3 plus 1 a n is equal to 3 plus it is the question. This is the last example and इसका जो next example है students you will do that self. इसका जो next example है वो आपको क्या करना है students self करना है so it will be the last example 24 example number 15 students find the sum of first 24 terms और ये आपको ना nth term का ये formula दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करना है सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ पे a 1 आएगा और 3 प्लस 2 इंटू 1 तो 3 प्लस 2 और 3 इंटू 5 ये n की वैल्यू 1
एन की वैल्यू वन कब होती है? फर्स्ट टर्म के लिए होती है। एन इजल टू वन किसके लिए होता है? फर्स्ट टर्म के लिए। ऑलवेज रिमेंबर एन इजल टू वन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टर्म। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म माने एक टू रखो, एन इक्वल टू रखने में देखो क्या होता है, ए टू थ्री प्लस टू इंटू टू, टू टू जो फोर, फोर और थ्री सेवन। तो यानी हमारे पास क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। एपी क्या है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो कितनी है फाइव और सेकेंड टर्म कितनी है सेवन। दिस इज एन एपी। ओके, और आपको ना सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स का, 24। तो देखो एस एन का फॉर्मूला राइट करते हैं अपन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन, एन यानी हाउ हाउ मेनी टर्म्स यू आर एडिंग, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो एस क्या आ जाएगा 24, एन की जगह आपको क्या लिखना है 24, और टू इंटू ए फर्स्ट टर्म इज फाइव प्लस एन, द वैल्यू ऑफ एन इज 24, डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, सेवन माइनस फाइव, सेवन माइनस फाइव इट विल बी इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स आपको इस इतनी टर्म्स को क्या करना है, सोल्व करना है। आप आफ्टर सोल्विंग यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल 15 सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप लोग सोल्व सेल्फ करोगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.3 वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि 5.3 का फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सेल्फ होमवर्क, जो आपकी होमवर्क नोटबुक है उसमें आप सेल्फ करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।